लिए जाके बैठ गई बाथरूम में। बड़े अच्छे मौके पे जाके ये एक्चुअली कस्टर्ड एप्पल की तरह लगता है। और आज से अमावस्या शुरू हो रही है जो कि कल रात को छोड़ेगी। हम पूजा नहीं करेंगे, हालांकि हम रात में ही पूजा करते हैं। 8:55 पे दोस्तों मम्मी की हिंदी थोड़ी सी टूटी फूटी है, समझ लो। कहीं दिक्कत होगी तो मैं बताऊंगी। क्वालिटी नहीं क्वालिटी। क्वालिटी खाना खाने चलो। क्या खाना खाने चलो, उठो। क्या पका है? क्या खिचड़ी? नहीं खाना मुझे। मुंह मत बनाओ, आज वैसे भी फिर थोड़ी देर के बाद से कुछ खा नहीं पाओगे। चलो खाना खा लो। मुझे खिचड़ी अच्छी नहीं लगती। हाँ तो सुबह बोलना चाहिए था जब खाना बना रही थी, है ना, कि शाम के बाद से तो हम नहीं खाएंगे खाना, पूजा करना है, अमावस्या शुरू होने वाली, तब बोलना चाहिए था खिचड़ी नहीं खाएंगे। कुछ दाल चावल बनाओ तो दाल चावल बनाते, खिचड़ी बन गई। जब मैंने बोला कि खिचड़ी बनाए, हाँ बना लो, तो बना दी। अब सारे नौटंकी शुरू हो रहा है। चलो क्योंकि मैं काम कर रही थी ना, काम के बीच में तुमने पूछा। हाँ बहुत बहुत बढ़िया काम कर लिया आपने, बहुत बड़ा तीर मार लिया। अब खिचड़ी खाओ, उठो। नहीं खाना मुझे, अभी सोना है। कोई सोना वोना नहीं है, 2-3 दिन फिर खाना नहीं मिलेगा फिर। चलो अब नहीं खाना है मुझे, बोला ना। बकवास बकवास मत करो मम्मी, उठो उठो उठो, छोटी खाना खाना परोस जा। नहीं मेरे लिए नहीं, सब मम्मी उठो यार, नहीं खाएंगे हम। अरे बोल रहे खाना खा लो, उठो। नहीं खाना है मुझे, मुझे अभी नींद आ रही है। कोई नींद भी नहीं आ रही, फिर मैं खाना फेंक दूंगी। क्यों? कोई नहीं खाएगा खाना। आता है क्या? हाँ मुफ्ती, आपके हिसाब से तो मुफ्ती आता है। हाँ, मेरे हिसाब से तो सभी मुफ्त में आता है। हाँ सब मुफ्त में ही आता है, तभी तो खाना नहीं खाना है। हाँ, कुछ गरीब बच्चों को देख लो, डस्टबिन से उठा उठा के खाना खाते हैं। आपको तो खिचड़ी मिल रही है फिर भी नहीं खाना। तू दोनों खा ले। मैं नहीं खा रही फिर, छोड़ो जाने दो, जो करना है करो। वो ए तू बस अपना खाना निकाल, मैं नहीं खा रही, चल। अरे मम्मी बहुत हुआ, चलो अभी उठो खाना खा लो। मुझे नहीं खाना। तो मुझे नहीं खाना क्या है? जब उसने पूछा था कि क्या बनाओ तब क्यों नहीं बोला? मैं काम कर रही थी ना, एडिटिंग कर रही थी। हाँ तो आपको तो पता है कि आप जो बोलोगे वही पकाएगी वो। हाँ मुझे तो पता ही है, सब कुछ मुझे ही पता है और किसी को पता नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो आपको तो पता है उसको कुछ खुद से बनाना नहीं आता, बोल दो फिर बना देगी। ऐसे ही होता है ना, हमेशा ऐसे ही होता है। मैं बोलूं जो मैं बोलती हूँ वही पकाती है। हाँ नहीं तो हर रोज आप थोड़ी बोलती हो, फिर वो कुछ भी बना देती है, फिर कुछ भी बन जाता है। तो मुझे तो अच्छी नहीं लगती ना। तो आपने बोला क्यों नहीं? आपकी गलती है। तू भी हाँ अपनी गलती मानो और चलो खाना खाओ। मेरा क्या गलती है? मैंने नहीं बोला इसलिए। हाँ तो आपको बोलना चाहिए था कि मुझे खिचड़ी नहीं खानी, कुछ और पका दे, तो वो पका देती। एक ही तो काम है उसका। तो मेरे ऊपर आया ना, जो भी किया था उसका है और मेरे ऊपर आया है ना। तो आपने बोला आज खा लेते हैं फिर देखते हैं बाद में। अच्छा चलो उठो खाओ अभी। हो गया आपका नखरा करना हो गया? अंत में तो आपको खाना ही था, तो पहले क्यों नहीं खा लिया? मुंह देखो, जैसे कि खिचड़ी ने ही जहर दिया हो खाने को। मुंह देखो इनका, ऐसे ही दिमाग गर्म हो जाता है। पूरे दिन करो फिर भी सुनो। अच्छा वो भगवान का शुक्र मनाओ कि खिचड़ी तो मिल रही है कम से कम। हाँ नहीं तो
दिमाग का दही करवा लो इनसे बस। कल इतनी देर लाइफ में बकने के बाद और आज मुझे खिचड़ी मिल गई है। लो ये आगे दूसरी दादी अम्मा। तो और नहीं तो क्या, इतने देर मैंने कल बका है, लाइफ किया है और आज मुझे खिचड़ी मिल रही है। तुम दोनों खुद ही क्यों नहीं बना लेती खाना? बना सकते तो बना लेते ना। आज मीट होना चाहिए था। हाँ बात तो सही है, बात तो सही है। मंगलवार को मीट होना चाहिए था। खिचड़ी के साथ कुछ और होना चाहिए था। हाँ सिर्फ खिचड़ी है ना छोटी? और नहीं तो क्या, जो मिला है खा ले। हाँ तो वही तो कह रहा है इतने सालों से। 2 बजे उठेगा, नींद से जागेगा, फिर खाना पकाएगा, क्या पकाएगा इससे ज्यादा। 2 बजे कौन उठा बे? है मम्मी 2 बजे कौन उठा? तू और कौन? बारी 2 बजे उठे, छोटी 4 बजे उठे। मम्मी झूठ रही है, हमारा कहीं रोस्ट कर रहे हो, इसका करो ना, इसका करो रोस्ट, मेरा नहीं, इसका रोस्ट करो, मेरा नहीं, इसने ऐसा खाना पकाया, मैंने नहीं। नौटंकी करने वाली 2 औरतें। तेरा क्या है, तू नॉन वेज खाती हमेशा, जो पका दो वही खा लेगी तू, हम तो नहीं खाते ना हमेशा। हाँ तो सही है ना, इस बस तो ठीक है ना, तेरी तरह तो नहीं है ना। हाँ तो सही है, जिंदगी में तुम कभी भी कहीं भी जाओ तुम सरवाइव तो कर पाओगे, तुम लोगों तो भूखे मर जाओगे तुम लोग। अच्छा हाँ ठीक है, मर जाने दे हमें भूखा, तू सरवाइव कर लेना। क्या क्या अच्छा है, क्या अच्छा है? वो पागल हो चुकी है, इसकी बात मत सुनो, पागल पूरा पागल हो गया। हाँ तू तो पैदाइशी पागल है, तू तो बोली उसको, मत उसको। और इनको तो छोड़ना चाहिए। नहीं नहीं अमेज़न में छोड़ देंगे। अमेज़न में क्या होता है? बहुत भयानक है और बहुत डीप है, कोई वापस नहीं आता, तो वही भी छोड़ देता है इसको। मैं तो वहां भी सरवाइव कर लूंगी। भूखा जानवर तेरे को कच्चा कच्चा आ जाएगा। अपने आप को तसल्ली दे रहा है क्या? दौड़ तो नहीं सकती। सही बोला। इस पूरे दुनिया में अगर तुम जैसे 2 नमूने मिले और इंसान सरवाइव कर जाए तो जानवर भी क्या चीज है। नहीं नहीं इनसे ज्यादा खूंखार कोई हो ही नहीं सकता। देखो छोटी कितने हंस रही है, क्यों हंस रही है? क्यों नहीं हंसो, आपको भी निकलना है, बाजार जाना है, उधर शॉपिंग करनी है और ये जाके बैठ गई बाथरूम में। बड़े अच्छे मौके पे जाके ये बैठ गई है बाथरूम में, मैंने कोई गलत शब्द यूज नहीं किया, तो तू एन मौके पे जाके बैठ गई बाथरूम में। फोटो तो लेंगे बाद में, फोटो तो बाद में, मगर तुझे काला काला लग रहा है और मुझे गोरी गोरी। आ नहीं आप ठीक है, वो डिस्टेंस और क्या बोलते हैं लाइट का मतलब प्रॉब्लम है ना, तो काला अभी ठीक है ना। तो हम तो बाजार जा रहे हैं और मैं घर पे अकेली रहूंगी, वाह मजे मजे मेरे तो। देखो खाना लाना मेरे लिए, कल जो प्रॉमिस किया था लगा दिया पूरा लगा दिया। देखो अब तो पता नहीं मेरा गर्लफ्रेंड है और आके मेरा मेरे को पप्पी ले ली। मेरा गर्लफ्रेंड है, मेरा बॉयफ्रेंड है, कोई नहीं। अभी ये मैं क्या बोलूं, प्यार की निशानी है, प्यार की निशानी है, मम्मी के तरफ से गिफ्ट है। नहीं नहीं चाहिए ऐसा गिफ्ट, मेरे को खाना चाहिए। खाना खाना खाना, इतना खाना खाता है फिर भी खाना खाना खाना। और नहीं तो क्या, खाने के सिवा और क्या है जिंदगी में, कुछ नहीं है, बाकी सब मोह माया है। मैं उन सारी चीजों से ऊपर उठ चुकी हूँ, मुझे बस खाना चाहिए। छी क्या छी,
ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। कभी कभी राम जी को, कभी कभी किशन जी को, कभी कभी राधे जी को, कभी कभी दुर्गा जी को सब बुलाना चाहिए, मगर तो खाना नहीं। ना, मैं बुलाती हूँ, मुझे खाना खिला दो भगवान, ने मुझे खाना दे दो भगवान, तो हो गया ना। तुम बिल्कुल बुलाते हो भगवान तो एक ही। गाइस तुम लोग बूढ़ा मत बनना ठीक है। ए क्या बोले इसको, क्या बोलू, नहीं भुक्कर नहीं, भुक्कर तो अलग, क्या क्या बोलना क्या चाहती हूँ याद नहीं। मुझे खाने के अलावा और कुछ सूझता नहीं है। हाँ ये तो है, ये वाला भी नहीं है, दूसरा ये भूल गई, ठीक है बाद में जब याद आएगी तो बात हम बाद में बताएंगे, अभी याद नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, तुम प्यार से घर में रहना, मेरे लिए खाना लाना। खाना तो लेकर आएंगे, मगर एक चीज, बाहर से लॉक कर दूँ घर को? हाँ ले जाओ, कोई नहीं आने वाला आपके पीछे से। सच्ची? हाँ ले जाओ, अगर कोई आ गया तो बाहर से घूम के चला जाएगा, मेरे को क्या है, मेरा तो कोई नहीं आने वाला। कोई नहीं आने वाला पता चलेगा। कैसे भी ठीक है कि मैं कुछ खाना ऑर्डर करूँ क्या? क्या देखो बड़ी भी तैयार हो गई, अभी हम दोनों घूमने जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, नहीं बाजार नहीं घूमने जा रहे हैं, बाद में बाजार करेंगे है ना, शॉपिंग भी करेंगे। हाँ क्या है, अबे क्या हुआ, दर्द का है तेरे दांत में, दर्द है दांत में, दर्द है। चलो हम लोग घूमने जा रहे हैं, तुम लोग भी चलो। गरीब मानुष, गरीब लोग के गरीब के हम लोग, आमी हमार गाड़ी तो आमी देखता हूं, गरीब हम लोग बहुत गरीब है, इतना गरीब, इतना गरीब हमें ना, इतना गरीब, बहुत ही गरीब हूँ हम लोग। हाँ बिल्कुल भी শীতের আমেজ দেখ, গরম কোথায়, শীত গরম 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 হলো, দেখ দেখ ওয়েদারটা, দেখ 34 ডিগ্রি কি আরে, হাম তো বেঙ্গালি মে বল লিয়া, সরি গাইস, বেঙ্গালি নেহি বলনা থা, হ্যাঁ নেহি বলনা থা, গলতি সে হো গই না, এসে পিছন দি পড়ে না দেখ, কি ব্যাগে কি আনতো, এই তো সব তুমি সব দত, হ্যাঁ তুমি সব দত। देखो कसरत कर रही है, हाँ उठा ले गई, क्या कर दिया बड़ी तूने, ले दे पैसा दे चेंज, यही पे हम लोग गाड़ी का काम कराते हैं, जो भी है ये बंदा सही है, अच्छी है, ठीक है ना, हवा देने के लिए 10 रुपया, हाँ 10 रुपया लिया है, देखो 5 रुपया हो गए अभी। ए टाटा, मेरे घर के सामने ही है ठीक है, यही पे पूजा होती है देखो, और हम दोनों अभी जा रहे हैं पान खाने के लिए। कौन गाड़ी चला रही है? हाँ ये जब गाड़ी चलाती है ना और सामने देखती है तब तो अच्छी की अच्छी गीला कर देगी, पैन जो होता है ना वो पूरा, देखो कैसा चेहरा, देखो इसका, तू चला मैं तो देख रही हूँ, देखा है ना ऐसा मुंह बनाती है ना, कोई पसंद कैसे करेगी इसको। हैप्पी ड्राइवर गाइस, हैप्पी ड्राइवर, देखो गाड़ी चलाते वक्त सामने देखती है, हाँ कोई और... बकवासी नहीं। देखा है, कोई इधर से इधर नहीं, बातें नहीं करना, देखेगा भी नहीं, सामने देखती है, फोकस करो तो सामने। चलो हम तो जा रहे हैं पान खाने के लिए, पान खाएंगे फिर जाएंगे बाजार, फिर बाजार का...
करके घर जाएंगे फिर दिखाएंगे ओके। क्या कर दिया अभी तो गिर पड़ते हैं, फिर हंस रहा है। देखो गाइस अभी अभी क्या करते थे हम तो गिरने ही वाले थे, डर भी गए थे। ये खाली फिर क्या हो रहा था, यहाँ पे कोई नहीं है सामने, फिर भी हिल गए। ये गई है क्या बोलते हैं हमारी मात्रा श्री गई है पान खाने। गाइस दांत में बहुत दर्द है, ज्यादा जोर से बात नहीं कर सकते हैं, क्या ही बताएं हम तो। और वहां पे भीड़ है जो हम तो नहीं जा रहे। बनारस वाला पान खाएगी क्या? ये बिल्कुल बनारस वाला पान नहीं है, छोड़ो जाने दो, खा लो आप। चलो क्या क्या लेकर आई? साबूदाना और दो लड्डू, नाड़ू बंगाल में बोलते हैं नाड़ू, ये चावल है, और सेब भी लाई हूँ, ठीक है। इसको तो टेबल पे नहीं रख सकती क्योंकि पूजा के लिए है, इसीलिए दिखा रही हूँ। और बनाना है ये वाला, गिर गया था नीचे, मैं खा लूँगी इसको। और देखो ये सब्जियाँ, प्याज भी है, खीरा भी है, और ये तो है हरी मिर्च भी है, बहुत सारी चीज़ है। अब बहुत पैसा खर्च हो गई। और इसमें है क्या, कश्मीरी शिमला मिर्च, शिमला मिर्च और बैगन, इस साग है कुछ, साग है और पीछे अना, और भी एक चीज है इसमें। और ये इसको अरबी कहते हैं दोस्तों, अरबी भी लाई है साथ में। और पालक भी है, ये मुफ्त में दिया है मैंने, बेटी ने उठा लिया था, मैंने बोला बस एक ही था तो दे दो, दे दो, नहीं दूंगी। और ये भी है सब्जी, उसको अरबी कहते हैं, अरबी अरबी तो ठीक है। और ये वाला मिर्च है देखो, ठीक है, ये मिर्च ज़्यादा तीखा नहीं होती, इसीलिए वाला लेकर आई हूँ। ये 15 रुपया 100 होता है, 150 का केजी आती है, ठीक है। ये वाला मैं बहुत अच्छा खाती हूँ, ठीक है। दोस्तों सब दिखा दिया क्या लेकर आई थी सब्जी। और देखो जो शेप गिर गया था ना मेरे लिए, सो क्या होता है, रेत की तरह होती है ना, रेत वाला जो सेब होती है ना, रेत वाला नहीं गाइस, सेब के दो तरीके होते हैं, एक बहुत ही ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं रसीले तो होते हैं, पर एक ऐसा होता है ना कि जिसको खाते ही ऐसा लगे कि दानेदार जो चीज होती है, मतलब ऐसा लगता है मुंह में कि कुछ दाना जैसा लग रहा है, तो ऐसा लगता है ये वाला, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये एप्पल खाने में एक्चुअली कस्टर्ड एप्पल की तरह लगता है, आता है कस्टर्ड एप्पल की तरह, ये एप्पल खाने में कस्टर्ड एप्पल की तरह लगता है, तो यही है इसमें। तो हम दोनों तो बाजार गए थे, फिर घर आके कपड़े चेंज करके फिर ये सब्जी दिखाया, क्योंकि बाहर से आते हैं कितना धूल लग जाते हैं, इसीलिए फ्रेश होके। और मेरे बालों की हालत देखो दोस्तों, मैं शैम्पू करूंगी, बहुत ही गंदी हालत है। चलो दोस्तों,
और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज अक्टूबर, पहला अक्टूबर है और आज से अमावस्या शुरू हो रही है जो कि कल रात को छोड़ेगी। तो तब तक हम हर अमावस्या को पूजा करते हैं अपने कुल देवी की जो है महाकाली। तो उनके पूजा के लिए हम हर अमावस्या में व्रत करते हैं, दो माँ बेटी, छोटी तो अभी नहीं करती है तो हमारा व्रत है। तो आज हम पूजा नहीं करेंगे, हालांकि हम रात में ही पूजा करते हैं, 12 बजे के बाद पूजा शुरू होती है या फिर 12 बजे शुरू होती है, तो आज हम नहीं करेंगे, हम कल करेंगे। तो हमारा व्रत है और इसीलिए फलाहार हो रहा है बस और कुछ नहीं। पर मेरी मतलब मेरी ये तो होती है कि मैं मतलब इससे पहले भी मेरा ऐसा होता है कि 3 दिन वाला एक अमावस्या होता है जो 2-3 साल बाद बाद आती है, एक बार 2 या 3 दिन तक अमावस्या चलती है। तब तक मेरा और मम्मी का तो यही होता है कि जितना हो सके हम ना खा के रहे। तो हम ऐसा, मैं तो वैसा करती हूँ कि कुछ भी नहीं खाती हूँ, पानी के अलावा कुछ नहीं खाती हूँ मैं। और इस बार क्योंकि मम्मी को शुगर की प्रॉब्लम है तो मम्मी फलाहार कर रही है। सही बोला है। तो रात का कुछ डिनर का मेन्यू तो है नहीं, बस हम दोनों मतलब मम्मी तो फलाहार कर रही है, बस छोटी खाएगी खाने वाली और कुछ नहीं है। जब लोग तुम ये वीडियो देखोगे ना उस दिन को रात को पूजा है। हाँ ठीक है, मतलब कल है, मतलब आज 1 तारीख है तो ये 2 तारीख को पोस्ट होगा। तो हम 2 तारीख को पूजा करने वाले। और मेरा जो ब्लॉग वीडियो आती है सुबह 7:55 पे दोस्तों। मम्मी की हिंदी थोड़ी सी टूटी फूटी है, समझ लो कहीं दिक्कत होगी तो मैं बताऊंगी। बंगाली लोग ऐसे ही होती है, टूटी फूटी हिंदी बोल देते हैं। तो हम पहले बहुत अच्छा बोलती थी, अब टूट फूट। पहले की बात छोड़ दो, मैं अभी सीख रही हूँ, सिखा देना ठीक है, अगर कोई गलती हो गई तो सिखा देना। ओके ठीक है, ये वीडियो जो था रिक्वेस्ट के, क्या बोलते उसको, अच्छा मैं कंप्लीट करती हूँ। एक्चुअली लाइव में कुछ लोगों के रिक्वेस्ट की वजह से ये वीडियो डल रहा है हिंदी में, हालांकि हमारी बंगाली ब्लॉग चैनल है, जरूर देखिएगा। पर हाँ कुछ नए मेंबर्स आए हैं हमारी फैमिली में, ऐड हुए हैं, जिनको हिंदी में ब्लॉग चाहिए था, तो मैंने उनसे कहा था कि हाँ हिंदी वाला ब्लॉग हम बनाएंगे और डालेंगे, तो इसीलिए हमने ये ब्लॉग हिंदी में बनाया है। कोशिश तो की है हिंदी में बनाने की, आगे और भी अच्छा कोशिश करेंगे। तो अगर आपको हिंदी में आगे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग देखना है तो लाइक शेयर कॉमेंट तो ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपको अच्छा लगे तो, क्योंकि सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं जाते, तो देख लेना। और तो है, और एक बात है जो मैं बोलना चाहती हूँ, जितना कमेंट आएगा जो हाँ हिंदी में वीडियो डालिए तो ही बनेगा, नहीं बंगाली में ही रहेगा, इस वजह से सपोर्ट तो ज्यादा करना पड़ेगा। हाँ देखिए बंगाली व्यूअर्स अभी तक देख रहे थे, तो अगर हमें हिंदी में शिफ्ट करना है तो हमें थोड़ा वक्त तो लगेगा शिफ्ट करते हुए, और इसमें थोड़ा सा तो इफेक्ट पड़ता है चैनल में। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं बंगाली में वीडियो बननी चाहिए या हिंदी में वीडियो बननी चाहिए, तो प्लीज़ अगर आपको हिंदी में वीडियो चाहिए तो इस वाले वीडियो के कमेंट सेक्शन में हिंदी लिख के पोस्ट कर देना, ठीक है, मतलब कमेंट करना हिंदी। तो जितना हिंदी वाला कमेंट आएगा हम उतना ही ज़्यादा वीडियो हिंदी में डालेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से रहना। और पूजा जो भी है, सामने दुर्गा पूजा है बंगाली का, और नवरात्रि में दोस्तों बहुत मजे करना, खाना बिल्कुल इधर उधर का मत खाना, घर का खाना खाना, क्योंकि नवरात्रि में अच्छे से वेजिटेरियन खाना ही खाना चाहिए, बाहर वाला खाना बिल्कुल मत खाना। साल में ये 9 ही दिन होते हैं जिनमें तुम कोई भी अटरम पटरम चटरम नहीं खा सकते हो, तो अच्छे से करना। और सबको बाय बाय, और सब अच्छे से रहना, और पूजा सबको मुबारक हो, और सब अच्छे से एंजॉय करो। और गरबा डांस अगर कोई करो तो प्लीज वो भी कमेंट में करना कि किस किस ने गरबा किया है इस बार, तो वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। और एक बात है, जाने के टाइम में हार्ट दे के जाना, लाइक। ओके गुड नाइट, बाय बाय।
मेरे घर के सामने ही है, ठीक है, यहीं पे पूजा होती है, देखो। और हम दोनों अभी जा रहे हैं पान खाने के लिए।